गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं परसेंटेज यानी प्रतिशत का प्रैक्टिस सेशन का पांचवा भाग। परसेंटेज के चार प्रैक्टिस सेशन आपको करवाया जा चुका है। प्रैक्टिस सेशन हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक कर रहे हैं, किससे? तो महेश मिश्र बुक से, जो आपको पूरे यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इससे प्रैक्टिस करिए, हर लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि जितने आपका जानकारी में, खास करके नए विद्यार्थी हैं, सबको चैनल का लिंक शेयर करिए, ताकि स्टार्टिंग से उनका मैथ स्ट्रांग और उनके मन में यह भ्रम ना हो कि सिर्फ इजी जी मैथ एग्जाम में पूछते हैं, क्योंकि अब एग्जाम का लेवल आप समझ सकते हैं। तो आज हम लोग पांचवा सेशन देखेंगे। इसमें हम लोग स्टार्टिंग में साधित उदाहरण का पहला सेशन में 38 क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा में 60 प्रीवियस क्वेश्चन देखे, और चौथा सेशन में 30 तक देख चुके हैं। टोटल 85 क्वेश्चन है जिसमें 30 तक, आज हम लोग 31 से 60 तक 30 क्वेश्चन का पूरे तरीका सोल्यूशन देखेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं, अपने असाइनमेंट, परसेंटेज का असाइनमेंट अभी तक आपके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस से जुड़िए और वहां से चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के असाइनमेंट प्राप्त करिए। आपको बड़े बड़े संस्थान में भी ऐसी सुविधा नहीं मिल पाएगी जिस तरीका से मैं बेसिकली मैथ पढ़ाते जा रहा हूं, तो इससे पूरा पढ़ा दिया हूं, इसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेशन का पांचवा भाग, वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा, एक से एक क्वेश्चन मिलेगा। आइए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन ऑप्शन साथ में दिखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, सॉल्यूशन भी बेहतर अच्छे ढंग से हम लोग देखते चलेंगे। एक क्वेश्चन का, चार कुर्सी तथा तीन मेज का कुल मूल्य, चार चेयर प्लस तीन मेज बराबर कितना है? तो ये दिया हुआ है हम लोग का 2340। उसके बाद है उल्टा कर दिया है, तीन कुर्सी और चार मेज, तीन चेयर प्लस चार मेज बराबर इस बार मूल्य हो गया है 2280। तो पूछा क्या जा रहा है, प्रत्येक कुर्सी के मूल्य, प्रत्येक मेज के मूल्य का क्या परसेंट है? तो पहला तरीका है, 9th में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, चेयर निकालना है मेज से, मेज निकालना है चेयर से, इससे चेयर और मेज निकल जाएगा। आप निकालिएगा जरूर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, चेयर का आ जाएगा आपका 300 रुपया और मेज का 360 रुपया। क्लियर है? तो अब लोग हम लोगों से पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक कुर्सी के मूल्य, प्रत्येक मेज के मूल्य का कितना परसेंट है? यहाँ पर उल्टा लिख दिए, मतलब चेयर हो जाएगा 360 और मेज हो जाएगा कितना, 300 रुपया। आप निकालिएगा तो आ जाएगा। तो पूछ रहा है प्रत्येक चेयर का मूल्य, मेज के मूल्य का, तो रिश्व आप पढ़े होंगे मेज के मूल्य में कहा लगा है, तो 300 नीचे, चेयर 360 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से, 200 बढ़ दिया 36, 120%। यानी कि आप कह सकते हैं चेयर का, प्रत्येक चेयर का मूल्य जो होगा प्रत्येक मेज के मूल्य का 120% होगा। आपको पहले हल करके चेयर और मेज का मूल्य निकालना पड़ेगा, चूंकि हमारे पास समय नहीं है, चूंकि मैं तो पहले से ही कितना बार बना चुका है इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, और इसका कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे 120% हम लोग का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चौथा, 31 का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देख लो, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आ चुके हैं। किसी संस्थान में प्रवेश के लिए कंप्यूटर तथा वाणिज्य विषयों की परीक्षा ली गई, कंप्यूटर विषय में 28% छात्र उत्तीर्ण हुए, वाणिज्य में 13%, दोनों विषय में 62% अनुत्तीर्ण हुए। यदि आप उत्तीर्ण का डायग्राम बना रहे हैं, उत्तीर्ण का, तो डायग्राम बनेगा 38 का। बोले क्यों सर? क्योंकि 62% अनुत्तीर्ण है। हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि 62% जो है वो क्या है, अनुत्तीर्ण है। तो जरा देख लो, कंप्यूटर विषय में 28% उत्तीर्ण हुए हैं, कंप्यूटर में क्या परसेंट, 28% से कंप्यूटर, और वाणिज्य में, वाणिज्य यानी कॉमर्स में, कॉमर्स COMP कंप्यूटर, कंप्यूटर में कितना है 28%, वाणिज्य यानी कॉमर्स में कितना है, तो 13%, कॉमर्स में 13। डायग्राम पूरा बनाना है 38 का, क्यों? क्योंकि 62% फेल हो गया है। तो बोला कि सर जी टोटल 38 में 28 तो 10, पूरा 13 में 10 तो 3, पूरा 28 में 3 तो 25। अब आ जाइए नीचे, क्योंकि डायग्राम टाइप 10 में पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन डायग्राम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। यदि कुल 9 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं तो केवल कंप्यूटर में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, यहाँ पे लिखना चाहिए कुल 9 छात्र उत्तीर्ण हुए तो केवल कंप्यूटर में कितने अनुत्तीर्ण हुए।
तो कुल 9 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। यहां लिखना चाहिए दोनों में कुल 9 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों में कुल 9 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। और यहां दोनों में कितना उत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं 3। तो दोनों में उत्तीर्ण की तुलना दोनों में उत्तीर्ण से, क्वेश्चन थोड़ा सुधारिए, यहाँ कुल 9 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं ऐसा के जगह पर लिखना चाहिए कि दोनों में 9 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों की तुलना दोनों से। तो केवल कंप्यूटर में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो केवल कंप्यूटर में जो अनुत्तीर्ण होगा वो वाणिज्य में उत्तीर्ण हो जाएगा। केवल वाणिज्य में उत्तीर्ण होने का मतलब है वो कंप्यूटर में अनुत्तीर्ण हो गया। तो पूछ रहा है केवल कंप्यूटर में अनुत्तीर्ण, देखे कितना घुमाता है क्वेश्चन इस पुस्तक में। कंप्यूटर में अनुत्तीर्ण मतलब केवल वाणिज्य में उत्तीर्ण, यानी 10 से गुना काटते हैं, 3 तिहाई 9 और 10 तिहाई 30। यहाँ पूछता कि केवल वाणिज्य में उत्तीर्ण तो भी आंसर 30 होता, और केवल कंप्यूटर में अनुत्तीर्ण तो भी आंसर 30। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर पहला। दोबारा तिबारा जरूर बनाएगा, बहुत मजेदार घुमाया हुआ क्वेश्चन है और इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आई, एक एक क्वेश्चन में मजेदारी है। दाल के मूल्य में 32% वृद्धि होने से एक परिवार ने इसकी खपत इतनी कम कर दी कि केवल 10% वृद्धि रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि 100 से हो गया 132, लेकिन इतना कमी किया कि 110 पर आके अटक गया। तो बोले सर 7 टाइप 7 में तो आप बताएं असाइनमेंट में ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ बोल रहे हैं यदि, अब यहाँ से एक चीज और बोल रहा है कि यदि मूल्य बढ़ने से पूर्व दाल की खपत 20 kg हो तो बाद में उसकी खपत कितना होगी। मूल्य बढ़ने से पहले दाल की खपत कितना केजी, 20 kg। तो 20 की तुलना, चूंकि 100 हम माने थे लेकिन बढ़ के 132 हो गया उतने का दाम, तो 20 की तुलना 132 से, और बढ़ने के बाद तो आप कम करके 110 पर लाए हैं, तो गुना 110 से। तो यही हम लोगों से पूछ रहा है कि मूल्य बढ़ने के पूर्व दाल की खपत 20 kg, तो बाद में उसकी खपत कितना। तो बढ़ने के बाद आप क्या किए हैं, कम कर दिए, बढ़ना चाहिए 32, तो जितना हो रहा था पहले 20 kg इतना में भी 32 किलो, 20 kg, तो 20 की तुलना 132 से, अब बढ़ने के बाद आपने कम करके 10% वृद्धि पर ला दिया, यानी 110 से। तो यही पूछ रहा है, काट दीजिए, मजेदार तरीका है बनाने का। यहाँ देख लीजिए 11 से 10 बार में, 11 से 12 बार में, 4 से 5 बार में, 4 से 3 बार में, 10 50 और 50/3, 50/3 यानी 16.2/3 kg, यानी पहले दाल का खपत था 20 kg, मूल्य बढ़ने के बाद अब खपत होगा 16.2/3 kg, ऑप्शन नंबर तीसरा। और आप भरोसा रखिए पूरा यूट्यूब पे ये सब बारीकी से आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं बार बार जोर देके कहूंगा कि शेयर जरूर करिए। किसी भी एक स्टूडेंट जो अभी तक भटक रहा है, बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ा लेकिन रिजल्ट नहीं हो पाया, उसे मैथ से डर लगता है, प्लीज उसके पास लिंक को पहुंचाइए, ये आप ही का काम है, मैं तो लगातार आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आ जाइए, देखते ही देखते हम लोग 60 तक पहुंच जाएंगे। एक गांव की जनसंख्या वर्ष 1997 के अंत में 8000 थी, जनसंख्या वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो 2000 के अंत में क्या होगी। तो 1997 के अंत में कितना थी, तो 8000 थी, तो 97 से 98 जाने में बढ़ा होगा, फिर 98 से 99 और फिर 99 से 2000, यानी 3 साल तक 10-10% वृद्धि हुई होगी, 3 साल तक 10-10% वृद्धि हुई होगी। तो बोला 2000 के अंत में कितना होगा, अच्छा मतलब फिर से देखिए 97 के अंत में था तो 97 पूरा मतलब 98 अंत होते होते फिर 99 फिर 2000, 3 साल तक 10-10% बढ़ेगा। तो बोला कि सर दिक्कत क्या है, वृद्धि वाला जनसंख्या वृद्धि स्पेशल टाइप बताया हूँ, टाइप 5, सीधा एकदम सीधा तरीका, नहीं भी कुछ जान रहे तो वृद्धि मतलब जुटेगा 110/100% के बदले 100, फिर 110/100 और फिर 110/100। करना क्या है, केवल और केवल कैलकुलेशन करना है, 2 सुना 2 सुना कट गया 2 सुना 2 सुना कट गया 2 सुना से 2 सुना कट गया। अब बचा 8 और 11 के क्यूब, तो आप जानते ही हो 13 31 होता है, गुना तो करने आएगा ही, 8 इकाई 8 8 24 के 4 बचा 2 8 24 और 2 26 के 6 बचा 2 8 इकाई 8 और 2 10, यानी 2000 के अंत होते होते जनसंख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10648, ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर है दूसरा, 34 का ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, बड़ा ही मजेदार है। कह रहा है एक मशीन के मूल्य में 12.5% की वार्षिक कमी हो रही है, यदि 3 वर्षों के बाद उसका मूल्य 68600 हो तो आरंभ में उसका मूल्य क्या होगा। तो बोले सर जी आरंभ में मूल्य हम मान लेते हैं ना पी है, और 12.5% वार्षिक कमी हो रही है, तो 12.5% तो 87.5 बचते जाएगा,
कई वर्ष होता है? तीन वर्षों तक। साढ़े सतासी बटा सौ, साढ़े सतासी बटा सौ तीन बार करेंगे और तब जाके उसका मूल्य जो हो जाता है वो हो गया 68,600। तो बोला आरंभ में मूल्य क्या था, चूंकि तीन साल तक लगातार 12.5% कमी हुआ है तब जाके 68,600 हुआ है। तो आरंभ मूल्य, तो बोले सर दिक्कत क्या है, काटते हैं पॉइंट काटेंगे जीरो, पॉइंट काटेंगे जीरो, पॉइंट काटेंगे जीरो, काटने छाटने में एकदम आगे रहिए, फटाफट काट लिए। 25 से ये कटेगा आपका कितना बार में, 7 बार में, 25 से 8 बार में, 25 से 7 8, 7 8 क्लियर हुआ। 7 से इसको काटते हैं, 7 7 9 63 हो जाएगा, 5 7 8 56 डबल सुना, 7 से काटते हैं 14 7 98 होता है डबल सुना, 7 से काटते हैं 200 बार में कट गया। बी बराबर 8 गुना 8 गुना 8, 8 के क्यूब 512 और गुना वाला 200। अब क्या है भाई, गुना कर दो, डबल सुनना, दो दुनी चार, दो एकाई दो और पांच दुनी दस, 1,24,000। यानी तीन साल लगातार कमी हुआ तब 68,600 हुआ, यानी प्रारंभ में 1,24,000 होना चाहिए, जो आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं। 35 का 1,24,000 दिया ऑप्शन नंबर 14। यानी बस कॉन्फिडेंशियल जो मेथड है उसको अपनाएंगे, यानी आप टाइप बाई टाइप असाइनमेंट से पढ़ चुके हैं तो कैसा भी क्वेश्चन मिले आपसे बनेगा। ऑप्शन नंबर चौथा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देख लो, आप देखने में क्वेश्चन तो कहानी के जैसा लिखा हुआ लेकिन देखिए सॉल्यूशन कितना आसान है। एक स्वयंसेवी संस्था जो एनजीओ होता है शहरों की जनसंख्या वृद्धि दर पर सर्वेक्षण करने का काम करती है। सर्वेक्षण में पता चलता है कि एक शहर में वर्ष 1994-95 में वृद्धि 10%, 96-97 में 20%, लेकिन प्राकृतिक आपदा कारण 98.5% लोगों की मृत्यु हो गई। यदि 98 के अंत में जनसंख्या 8,27,640 रही तो 94 के आरंभ में, तो फिर वही बात हो गया, 94 में हम पी मान लिए, 94 से 95 वृद्धि 10% तो 110/100, 95 से 95 वृद्धि 10% वार्षिक थी, 96 तथा 97 में वृद्धि 20% तो 96 और 97 दो साल बढ़ा तो 120/100, फिर 120/100। लेकिन आगे कहता है 98 के अंत में जनसंख्या इतना हो गई, चूंकि 98 में आपदा कारण 5% लोगों की मृत्यु हो गई, मतलब हम कह सकते हैं 95/100, तब जाके जो जनसंख्या हो गया वो हो गया 8,27,640। अब पी का मान निकालना है, केवल और केवल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। 0 से 0 20 6 20 25, 20 6 20 25, 19 25 और 20 25। अब क्या है, काट छोटा छोटा करके काट देंगे हम लोग का आंसर आएगा 11 से काटेंगे, फिर जितना बचेगा उसको और काट सकते हैं, 3 दूनी 6 10 दूनी 20, और काट सकते हैं 3 दूनी 6 5 दूनी 10, क्लियर है। तो पहले तो 11 से कटेगा निश्चित है, फिर यहाँ पे 3 3 9 बना दो, 9 से कटेगा निश्चित है, 19 से भी कटेगा, उसके बाद इधर वाला जो भी बचा है 10 × 5 × 5 आई वाला 5 तिरछा गुना कर दीजिए, निश्चित रूप से आंसर आएगा। आपको क्या करना, सिर्फ काटना है, देखिए मैं काट भी देता हूँ, चलिए 11 से 11 7 77 बचेगा ना, तो बोले सर 5 बचेगा, 5 + 7 = 57, 11 + 5 = 55 बचेगा, 2 11 2 20 बचेगा 44 0, देख लीजिए 9 से भी कटेगा, 9 8 72 बचा 3, तो 9 3 27 + 5 9 6 54 0, अब देखिए 19 से भी कटेगा, 19 से 19 6 76 बचा कितना, 4 3 7 19 6 76 कट गया। अब इधर पी बचा, उधर 440 में गुना हुआ कितना, तो 10 × 5 × 5 × 5, तो यानी हम कह सकते हैं 5 × 5 कितना होता है 125 और ई वाला खत्म हो गया। अब इसको आपको गुना कर देना है, 1 0 1 0 दो जीरो लिख दिए, अब यहाँ से 44 का नहीं आता है तो यहाँ से 4 निकाल दो, 44 यहाँ से 25 निकाल दो, 5 बार में 4 और 25 के बदले 2 0 2 गुना करने के लिए मैं सिखाया हूँ, छोटा छोटा टॉपिक सीख लीजिए, 25 4 के बदले 2 0 11 5 55, यानी हम कह सकते हैं कि 94 में 5,50,000 जनसंख्या होना चाहिए, 5,50,000 दर्शा रहा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ सकता था और छोड़ूं तो आपको आंसर जरूर देना चाहिए, कैलकुलेशन जटिल नहीं है, बस उसको सामना करने की जरूरत है, आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर हुआ तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आ जाओ, चुनाव संबंधित प्रश्न। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे जिसमें से एक को कुल मतों का 57 मिला, तो भैया हम टोटल मत 100 मान लेते हैं जिसमें पहला आदमी 57 ले आया, आगे
और वह 1960 मत उसे जीत गया। तो बोले सर पहला 57 यहाँ कुछ अवैध तो मत हुआ नहीं है, तो 100 में 57 तो इसको अब 43 से ना बचेगा। और ऐसा करने से जीत हो गया 1960 से। जीत या हार के मतलब ही होता है दोनों के बीच का अंतर। 57 ही 43 है, कितना 14 का अंतर। तो अंतर की तुलना अंतर से। उस चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत पड़े तो 43 से, जीतने वाले को 57 से, टोटल पूछता तो 100 से। 14 बार में 196 कटेगा। अब गुणा करिए 0 14 दिया 42 के 2 बचा 4 14 56 और 4 60। यानी हारने वाले उम्मीदवार को जो मत प्राप्त हुआ 60 20 ऑप्शन मिला लो, क्या ऐसा है? है ऑप्शन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आ जाओ। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। के कार्तिकेयन एक नाम है, के पास कुछ मशीनें हैं जिसका मूल्य 2197000 है तथा उसके पास एक भूखंड है जिसका मूल्य 1331000 है। यदि मशीन के मूल्य में 8.3% की वार्षिक कमी तथा भूखंड के मूल्य में उतने ही प्रतिशत की वृद्धि हो तो कितने वर्षों के बाद दोनों के मूल्य समान हो जाएंगे? तो कितने वर्षों के बाद बोल रहा है, तो कितने वर्षों के बाद? तो आप ऊपर देख लीजिए 2197 जो होता है 13 का क्यूब और 13 31 11 का क्यूब हो रहा है। तो निश्चित रूप से जब क्यूब हो रहा है तो आंसर 3 वर्ष मार के निकल जाना है। आपको सीआईबी में ट्रिक बताए हैं, लेकिन सीआईबी पूरा बेटर ढंग से पढ़ाएंगे, पूरा चैप्टर तो वहां भी बताएंगे। यहाँ आंसर 3 वर्ष होगा, लेकिन होगा कैसे? तो पहले तो एक मशीन ही खरीदा 2197000, ठीक है, और मशीन के मूल्य में यहाँ और एक भूखंड खरीदा है कितना में? तो 13 31 00 इतना में। अब यहाँ पे बोल रहा है यदि मशीन के मूल्य 8.3% की वार्षिक कमी और भूखंड में इतना ही वृद्धि तो दोनों का मूल्य समान हो जाएंगे कई वर्षों में। तो हम मान लिए कि n वर्ष बाद समान होगा। तो मशीन इधर वाला है मशीन, इधर वाला है भूखंड। तो मशीन के मूल्य वृद्धि हो रहा है तो कितना वृद्धि? तो 8.3 को हम लिख सकते हैं 25/3। तो 100 में 25/3 की कमी, सॉरी मशीन में कमी हो रहा है, तो 300 में से 25 किया 275 और बटा 100। कई वर्ष पता नहीं है, मान लिया जाए कि n वर्ष। अब इसमें वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि होगा तो 100 में 25/3 जुटेगा, यानी 325/3, क्योंकि 10% वृद्धि होता है तो 110/100 करते हैं ना, तो सॉरी यहाँ पे बटा में 3 है तो 300 होगा और यहाँ भी कितना हो जाएगा 300। अपर पावर यहाँ भी क्या n, तो यही n का मान पूछ रहा है क्योंकि दोनों का मूल्य n वर्षों के बाद बराबर। बोला है कितने वर्षों के बाद बराबर? वैसे तो मैं आपको हर ट्रिक पहले ही बता दिया हूं, क्या कि क्यूब के रूप में है, क्यूब के रूप में है तो आंसर 3 वर्ष हो जाएगा। बोलिए कैसे? क्योंकि 25 तक मैं क्यूब आपको याद करवाया था। आगे देखिए 2197 13 क्यूब 13 31 11 क्यूब, क्यूब बैठ रहा है तो 3 वर्ष स्क्वायर बैठेगा 2 वर्ष, लेकिन आएगा कैसे जो देखिए। पहली बात तो ये है कि ये 300 पर पावर n तो नीचे कट जाएगा। हम इसको इधर ले आते हैं तो 275 और बटा 325 पूरे पर पावर n हो जाएगा क्योंकि दोनों पर है। और ये 2 शून्य से 2 शून्य काट यदि देते हैं, यहाँ डबल शून्य ही है, 2 ही है, यदि 2 शून्य से 2 शून्य क्या किए काट दिए तो इसको उधर ले जाते हैं तो 13 31 और बटा इधर हो जाएगा 21 97। 25 से ही काटे तो 11 बार में कटेगा, 13 बार में तो 11/13 पर पावर n, इधर 11/13 के पावर क्यू। मतलब ऐसे भी तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इसको बैठाइए कैसे? आप देखिए घातांक का नियम, आधार सेम तो पावर भी सेम, इसलिए n बराबर 3 वर्ष। यानी कितने वर्षों बाद मूल्य समान होगा? 3 वर्षों के बाद। और मैंने आपको इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही बता दिया, सीआई में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा कि कितने वर्षों बाद बराबर होगा मूलधन या मिश्रधन। तो यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से कि कितने वर्षों बाद मशीन का मूल्य भूखंड का मूल्य बराबर होगा। जैसे ही देखे कमी वृद्धि कुछ नहीं, देखे 2197 क्यूब के रूप में बैठ रहा है, 13 31 क्यूब के रूप में बैठ रहा है, तो निश्चित रूप से गारंटी है कि क्यूब है तो आंसर 3 वर्ष, स्क्वायर है तो आंसर 2 वर्ष। हम लोग का 3 वर्ष आ गया, लॉन्ग में भी बता ही दिए हैं, आप भी किसी को जरूर बताइए। हो गया हम लोग का आंसर 3 वर्ष। ऑप्शन मिला लो 38 का, ऑप्शन नंबर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देख लो, बड़ा मजेदार है। एक चुनाव में ये तथा भी दो उम्मीदवार थे, जितने भी मत चुनाव में पड़े उसमें से 19% मत अवैध, ए बी टोटल मत 100 मान लेते हैं जिसमें अवैध तो 19 हो ही गया है,
19, तो वैध कितना बचा? तो बोले सर वैध 81 बच गया। अब देखिए क्या कहता है, इसमें से उम्मीदवार ए को वैध मतों का 33.3, इसको 33.3 परसेंट, और हम स्टार्टिंग में ही पढ़ाए थे 33.3 परसेंट का मतलब होता है 1/3 गुना, तो जो वैध है उसका 1/3 गुना, तो 81 का 1/3 करेंगे तो 27, तो 27 मिला ए को। अब आगे, और वह 16,200 मतों से हार गया, तो बोले सर 81 में इसको 27 मिला है तो निश्चित है इसको 54 मिला होगा, तभी तो दोनों मिला के 81 होगा। अब यहाँ हार जीत हो गया है 16,200 मतों से, और यहाँ देखे ए कितना मतों से हारा, तो बोले 27 से, 27 से हार जीत मतलब दोनों के बीच का अंतर, तो अंतर की तुलना अंतर से पूछ रहा है चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो 100 से, या तो पूछता कितने वैध मत, तो 81 से, कितने मत अवैध गए, तो 19 से। ए को कितना मिला? 27 से, और बी को कितना मिला? तो 54 से। काटिए 27 से, काटिए 27 से कितना बार में कट जाएगा, तो बोले सर 27 से ये 6 बार में कट जाएगा। आप काट सकते हैं 27/6 से होता है, अब 600 पर डबल सुनना, यानी हम कह सकते हैं जो कुल मत दिए गए वो थे 60,000, ऑप्शन मिला है 39 नंबर का ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर चौथा 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, बड़ा ही मजेदार। यदि किसी भिन्न के अंश को 40% से बढ़ा दिया जाए तथा हर को 60% से कम कर दिया जाए, तो नया भिन्न 21/16, तो मूल भिन्न, आपको पीछे भी असाइनमेंट पे भी इस प्रकार का 2-3 क्वेश्चन बना चुके हम लोग, मूल भिन्न मान लेते हैं x/y, हम सभी जानते हैं कि ऊपर वाला अंश होता है न्यूमिनेटर और नीचे वाला हर होता है डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे कहता है कि अंश में 40% वृद्धि, तो हम सभी जानते हैं कोई भी राशि 100% पहले से रहता है, जितना बढ़ेगा 100 में जोड़ देंगे 140%। हर को 60% कम, तो हर कितना है 22, तो 60% कम करेंगे तो बच जाएगा अपने आप का सिर्फ 40 बचेगा। अब जाके जो मूल भिन्न हो गया है, नया भिन्न जो हो गया 21/16, तो बोल रहा है मूल भिन्न x/y निकालना, तो देखे तुरंत निकल जाएगा परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, 7 से ऊपर ऊपर हम काट सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी काटने में कैलकुलेशन में भी मतलब कि वो देरी करते हैं, उनको पता नहीं होता, इसलिए आप कैलकुलेशन का छोटा छोटा टॉपिक देखते रहिए, जोड़ घटा गुणा भाग बहुत सारा मैंने बनाया है। तो 7 या 21, 7 2 14, 2 से 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16। अब इधर भी कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक बचा, तो एक्स गुना एक एक्स, बाई गुना यहां भी कुछ नहीं बचा एक, तो बाई, उधर बचा 3/8, यानी x बटा y का माना है 3/8, यानी जो मूल भिन्न होगा, जो आरंभ में भिन्न होगा वो होगा 3/8, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। देखिए हम लोग देखते देखते सार्थक पहुंच जाएंगे। एक नगर पालिका चुनाव में मतदाता सूची में जितने भी मतदाताओं के नाम थे उनमें से 20% वोट देने नहीं गए। लो, अब मतदाता सूची में हम 100 मान लेते हैं जिसमें वोट नहीं दिया, वोट नहीं दिया कई परसेंट 20, तो मतदान हुआ कितना? तो बोले सर मतदान हुआ 80, मतदान 80 होगा। कुल पड़े हुए मतों में से 800 मत अवैध। अब देखिए अवैध जो है ना वो अवैध गया है 800 निश्चित रूप में गया, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है समझिएगा, 800 निश्चित रूप में अवैध गया, इसी में से जो पड़ा है 80% उसमें से। अब कहता है जितेंद्र को मतदाता सूची में दर्ज कुल मतों का 48 मिला है। देखिए बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है भाई, जितेंद्र को मतदाता सूची में जितना है उसका 48, तो 100 मतदाता सूची में है उसका 48 मिला है जितेंद्र को, जितेंद्र को 48 पहले क्लियर कर दिया है, और वह 12,160 मतों से विजय विजय को परास्त किया है। तो आइए विजय आ जाते हैं, विजय को कितना मिला होगा? तो कहता है विजय को यदि उस चुनाव में दो ही प्रत्याशी खड़े हों तो विजय को उस चुनाव में कितने मत मिले? तो बोलिया कि सर टोटल मतदाता सूची का, टोटल मतदाता सूची का 48% जितेंद्र ले आया, तो टोटल 80 है क्योंकि 80 इसमें से 48 ही ले आया, तो इसके लिए बचा कितना? तो बोले सर इसके लिए तो मात्र 32 बचा, लेकिन 32 में से भी 800 अवैध गया होगा, क्योंकि जो अवैध गया होगा इसी से गया होगा, क्योंकि इसको तो मिल ही गया है 48%, इसका तो क्लियर किया नहीं, तो हम लोग ना सोचे कि टोटल 80 पड़ा है जिसमें 48 इसको तो 32 इसको, लेकिन अवैध कहां गया 800 इसी से गया होगा, यानी इसको यदि हम 800 अवैध दे दें तब जाके जो हमारा अंतर है 16 हो जाएगा। तो जब इसको हम 800 देंगे, पीछे भी ऐसा क्वेश्चन बताए थे, तो यहाँ हम लोग का जो
परास्त जो हुआ है 12,160 का, इस अंतर में 800 की कमी हो जाएगी, इतना का अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि आप जो ये 32% तब मानिएगा जब इसको 800 और हो जाएगा, जो अवैध किया है वो नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर 800 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0, 6, 11 में से 8 गया 3 और ये हो जाएगा 11,360। यहाँ अंतर कितना के 16 के अंतर की तुलना अंतर से पूछ क्या रहा है भाई, तो बोल रहा है तो विजय को सुना में कितने मत मिले, तो विजय को मिले कितना, हम लोग 32 से गुना कर देते हैं, लेकिन जितना आएगा उसमें फिर 800 घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि आप उसको 800 जोड़ दिए थे उसी में अवैध वाला, तब 32% पूरा हुआ था, और नहीं तो बुक के नियम से बनाओगे भाई तो एक्स वाई मानना पड़ेगा। काटो इसको, 16 × 2 = 32, अब इसको गुना करेंगे 800 घटाएंगे, तो गुना करिए 0, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 1 × 7 = 11, 2 × 22, और इसमें 800 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 × 0 = 0, 2 × 0 = 2, 7 यानी 17 में से 8 घटेगा 9, ये हो गया, अब 21 बच जाएगा और तो कुछ बचेगा नहीं, 21,920। यानी हम कह सकते हैं कि विजय को जो प्राप्त मत हुआ 21,920। बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए फिर से एक बार समझिए, इसमें आप बुक में देखिएगा तो बहुत लॉन्ग में बनाएगा, और एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए पीछे भी हम अपने असाइनमेंट में ऐसा एक क्वेश्चन बताया, टोटल 120 मत ही नहीं दिया, 80 पढ़ा, 80 में से ई पूरे का जो मतदाता सूची उसका 48 में आया, तो इसके लिए 32 होता, लेकिन जो 800 अवैध गया वो उसी में न जाएगा, तो इसको हराया है 12,160 से, लेकिन कब ही 32 होगा, जब इसको 800 हम दे देंगे, तो आप जब इसको और 800 दीजिएगा तो हार जीत के मतलब दोनों के बीच का क्या होता है, अंतर, तो 12,160 का जो अंतर है उसमें 800 घट जाएगा, यानी अंतर हो जाएगा 11,360 के, तब जाके 32% मान सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया अंतर की तुलना अंतर से, विजय निकालना 32 से, लेकिन जो 800 दिए थे बाद में घटाना भी पड़ेगा, तो इसको आप 2-3 बार खुद से बनाइएगा जैसे हम बताए हैं, नहीं तो एक्स वाई के चक्कर में रहोगे, दिमाग चकरा जाएगा, समय भी लगेगा। तो आप आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। इस बुक को बनाने के बाद पता चलेगा कि क्वालिटी क्या है मैथ में। कहता है एक गांव में प्रति 100 महिला पर 120 पुरुष थे, मतलब आप कह सकते हैं कि महिला वोमैन 100 तो मैन कितना 120, वोमैन 100 तो मैन 120, क्लियर है। अब कहता है प्रति 100 महिला पर 120 पुरुष थे, एक वर्ष में महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि और कुल में 25% की वृद्धि, तो पुरुषों में, तो बोले सर तो एवरेज वाली बात हो गई, इसको काट देता हूँ ना, इसको काट देता हूँ तो ये 20 × 25 = 26 आ से, तो टोटल इधर 11 हो जाएगा। अब मजेदार से बना लीजिए, कह रहा है क्या महिलाओं में 20% की वृद्धि, तो महिला में 20% वृद्धि और पूरी जनसंख्या में 25% वृद्धि, तो बोल रहा है कि पुरुष में कितना वृद्धि, बोले सर सीधा 11 × 25 में 5 × 20 घटा के 6 से भागा दे सकते हैं, या 25 टोटल लेके चलेंगे और टोटल दिया हुआ वोमैन दिया हुआ मैन निकालना है, तो वोमैन को भागाना होगा, यदि अधिक लेके जाएगा तो माइनस कर लेके जाएगा तो प्लस, आप 25 × 20 कितना 20, कितना कम 5 कम, तो पापा जी 25 + 25 होगा, लेकिन बटा में 6 भी होगा। अब आंसर कैसे दिया है, पूर्णांक में ही तो दिया है, तो 6 से भागा देंगे 6 × 24 = 4 पूर्णांक 1/6 होगा, 25 × 4 = 29 पूर्णांक 1/6%, यानी पुरुष में जो वृद्धि होगा 29 × 1/6% होगा, ऑप्शन नंबर 4। और मैं हर क्लास में प्रैक्टिस सेशन में बोल रहा हूँ कि एवरेज का इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए एवरेज मेरे असाइनमेंट से टाइप 3 और टाइप 4 जरूर देख लीजिए, क्योंकि सिर्फ आपको इसी परसेंटेज में नहीं प्रॉफिट लॉस SICI में भी इस्तेमाल होने वाला है, और जल्दी हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करने वाले भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, तो बेहद आसान क्वेश्चन है, कह रहा है एकायत की लंबाई में 40% वृद्धि, चौड़ाई में 20% कमी, तो क्षेत्रफल में, तो हम सभी जानते हैं भाई क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई में 40% वृद्धि और चौड़ाई में 20% कमी, तो वृद्धि वाला को प्लस और कमी वाला को माइनस, प्लस माइनस माइनस, 40 × 20 = 100, जो सुना है तो सुना, 40 में से 20 घटेगा 20 और 20 में से 4 × 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 12, यानी हम कह सकते हैं 12% आया प्लस में, तो प्लस में आ गया तो क्षेत्रफल में 12% वृद्धि, यदि माइनस में आ जाता तो 12% कमी, तो यहाँ पे बोला है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वृद्धि होगा 12% जो दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 आ जाइए, अब ये तो फॉर्मूला ही है,
जब पेट्रोल के मूल्य में 1% वृद्धि होती है तब एक व्यक्ति यात्रा की दूरी को 22% से कम कर देता है, तो उसके पेट्रोल बिल पर कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा। तो हम सभी जानते हैं कि बिल बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेट्रोल का मूल्य और गुना दूरी, ठीक है ना। तो जब दो राशि गुना के रूप में हो, और यहाँ पे बोल रहा है क्या कि पेट्रोल के मूल्य में 1% वृद्धि तो यात्रा की दूरी में 22% कमी, तो फिर तो वही फॉर्मूला लगेगा, एक्स प्लस में है बाई माइनस में, प्लस माइनस माइनस एक्स बाई बटा सौ। अब ऑप्शन मिला, ये क्या ऐसे ही दिया है, एक्स माइनस बाई माइनस एक्स बाई बटा सौ दिया है। आप ऑप्शन मिला सकते हैं, आपका ऑप्शन दिया हुआ है दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, भरे इसको एक ब्रैकेट में कर दिया कि एक्स माइनस बाई माइनस एक्स बाई बटा सौ। ये तो लिखने का अलग अलग तरीका हो गया, यही हम लोग का आंसर होगा, सिर्फ फॉर्मूला से बन गया ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, देखिए हम लोग देखते देखते 45 तक पहुंच गए, जल्द ही 60 तक पहुंच जाएंगे, बस लगातार बने रहिए। एक वर्ग की भुजा को यदि 12% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी भुजा स्क्वायर। तो भुजा 12% बढ़ाएंगे मतलब क्षेत्रफल में दो बार 12 बढ़ेगा, तो दो बार तो 12 प्लस 12, और प्लस 12 गुना 12 बटा 100, 12 × 12 144 बटा 100, तो 12 × 12 = 24, और प्लस 144 में 100 से भाग देंगे तो 1.44 होगा। 100, 10, 1000 ही सब रहे तो काटिए मत, डायरेक्ट 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव, 100 है तो दो अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 24 × 1 = 25.44, यानी भुजा में 12% बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल में 25.44%, यानी ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, एक एक क्वेश्चन बहुत आसान। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई को 15% से और आधार को 20% से बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। बोलिए सर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऊंचाई को 15% से बढ़ाए हैं, हमने क्वेश्चन ही कह रहा है, उसके आधार को 20% से बढ़ाए हैं, तो क्षेत्रफल दोनों गुना के रूप में हो तो दोनों तो वृद्धि हो रहा है, तो 20 + 15 और प्लस 20 × 15/100, 20 से काटे भी 500, 15 20 और 15 35 और 3 मिला के हो गया 38, यानी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में वृद्धि 38%। और आपको हॉट ट्रिक भी कई बार बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही असाइनमेंट में ही कि दोनों तो वृद्धि है, तो 20 और 15 35 और 20 × 15% 3, यानी 38%। एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस प्रैक्टिस होगा ना तो माइंड अपने आप तेज चलने लगेगा। तो 38% होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में वृद्धि, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन इधर मिल रहा है। एक गोले की त्रिज्या 25% बढ़ा दिया जाए, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। तो बोलिए सर, गोले का जहां तक बात है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारा चीज मैं पढ़ा चुका हूं, 4πr² होता है, तो यहाँ पे r दो बार हो गया है, तो दो बार 25% बढ़ जाएगा, तो दो बार 25% बढ़ेगा, तो देखिए डायरेक्ट बता रहा हूँ हाउ ट्रिक से, आप भी ऐसे बनाइएगा, x प्लस वाई यानी 25 25 50, और फिर प्लस, चूंकि वृद्धि तो है, 25 का 25% 6.25 होगा, आप निकाल सकते हैं, तो 50 × 6 56.25% क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में 56.25, यानी 47 का हुआ आंसर ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए, और आसान है। एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ा दिया जाए, उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी जब उसकी चौड़ाई को अपरिवर्तित रखें, तो 60% होगा। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या कहता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई में 60% बढ़ाए हैं, चौड़ाई में कुछ बढ़ा ही नहीं है, तो निश्चित क्षेत्रफल में भी 60% बढ़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई किसी एक में बढ़ाइएगा, चौड़ाई में 10% बढ़ाइएगा, तो क्षेत्रफल भी 10% बढ़ेगा, क्योंकि इसको अपरिवर्तित रखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा कि क्षेत्रफल में भी जब किसी एक के में वृद्धि हो, गुना तो हुआ नहीं है, जब डबल वृद्धि होगा तब ना, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा सौ, लेकिन यहाँ तो इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है, तो 60 के 60 ही रह जाएगा, यानी लंबाई में केवल 60% बढ़ाए तो क्षेत्रफल में भी 60% वृद्धि, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मतलब इस पुस्तक के प्रैक्टिस से हर तरह के कंफ्यूजन आपको दूर होगा। एक गोले की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान, उसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना परसेंट है। तो बोलिए सर, त्रिज्या दे दिए हैं आप 40 सेंटीमीटर,
और गोला की जहां तक बात है तो गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक तरफ लिख देते हैं आयतन, ठीक है ना। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², आयतन होता है 4/3πr³। अब यहां पे बोल रहा है हम लोगों से कि ये बताना है कि एक गोले की त्रिज्या 40 है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान, उसके आयतन के संख्यात्मक मान का लगा है आयतन में, तो आयतन को हम रख देते हैं नीचे, पहले काट लेंगे उसके बाद आर का मान रखेंगे 4/3πr³। और क्षेत्रफल 4πr² ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से, 4 4 5 5 कैंसिल, ठीक है। और ये हो जाएगा हम लोग का कितना, r³ से r² से एक r बच जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 3/r का मान आपकी 3/r × 100 हो जाएगा, क्योंकि 3 उलट के ऊपर जाएगा, क्लियर है। अब कर देते हैं 3/r कितना है, तो r है 40, 40r × 100 काटो, 20 × 40 25 100, 5 3 15/2, 15/2 मतलब 7.5%, यानी जब त्रिज्या समान है तो जो संख्यात्मक मान होगा, संख्यात्मक मान किसका, क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान आयतन का 7.5% होगा, क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान आयतन का 7.5%, 7.5%, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 टाइप 11 असाइनमेंट का, यदि आप देखें तो टोटल क्वेश्चन ऐसे ही है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में रेशियो मेथड से मैं आपको बताया हूँ सभी क्वेश्चन, यहाँ भी बताता हूँ। एक बर्तन में 30 लीटर अल्कोहल तथा स्प्रिट का मिश्रण है, मतलब टोटल मिश्रण 30 है जिसमें 20% अल्कोहल है, कितना लीटर स्प्रिट मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 12% अल्कोहल है। मिला रहे हैं स्प्रिट तो सेम करेंगे अल्कोहल, तो पहले मिश्रण का कई परसेंट अल्कोहल है, 20%, बाद में मिश्रण यानी दूसरे मिश्रण का कई परसेंट अल्कोहल है, 12%, परसेंट से परसेंट खत्म, 4 से 4 5 20, 4 3 12, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर कोफिशिएंट उलट जाता है, पहला और बाद वाला मिश्रण का रेशियो 3:5। अब आंसर सेकेंडों में, शुरू में 30 लीटर मिश्रण दिया हुआ है, यहाँ 3, कितना मिला है तो 3 से 5 हो गया, 2 मिला है तो 2 से, 3 से 10 बार में 10 × 20, यानी हम कह सकते हैं कि स्प्रिट कितना लीटर मिला है, 20 लीटर, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देख लो, सिर्फ देखने में बड़ा है। एक बाल्टी में 40 kg पानी तथा नमक का मिश्रण है जिसमें नमक 10% हो तो निश्चित है पानी 90% होगा। बाल्टी में 8 kg पानी को बाष्प के रूप में उड़ा दिया जाता है तथा बाल्टी में अलग से 4 kg नमक डाला जाता है। देखिए यहाँ दोनों काम हो रहा है, यदि पानी उड़ा रहा था तो नमक को हम सेम कर देते, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया इसलिए क्योंकि दोनों में परिवर्तन कुछ ना कुछ हो रहा है। 8 kg पानी उड़ाए, 4 kg नमक डाले, नए मिश्रण नमक का प्रतिशत, तो इसका सीधा तरीका है कि टोटल 40 kg है, 40 kg में बोल रहा है क्या, जिसमें नमक 10% है, नमक कितना है 10%, तो इसका पानी कितना होगा, तो पानी होगा 90%, तो बोले सर 40 का 10% 4 हो गया, 90% 36 हो गया, यानी 4 kg पानी हो गया, केजी में है तो 4 kg नमक हो गया और 36 kg पानी हो गया, सॉरी 4 kg नमक 36 kg पानी। अब 8 kg पानी को बास बना के उड़ा दिए तो बच गया 28, क्योंकि 36 वहाँ उड़ गया, पानी उड़ा दिए बास बना के, और नमक 4 kg और डाल दिए तो हो गया कितना, 4 4 8 4 4 8। अब बोल रहा है नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत, अब जो नया मिश्रण बना वो 28 और 36 का बना, इसको बोल सकते हैं आप नया मिश्रण, तो इसमें बोल रहा है कि नमक का प्रतिशत क्या होगा, नमक का प्रतिशत, बोले सर दिक्कत क्या है, टोटल 36 हो ही गया, नमक 8% निकालना है कैसे, 100 से काटिए, 9 चौका 36 2 चौका 8, 200/9, और 200/9 कितना होगा तो 22.2% आ जाएगा, आप निकाल सकते हैं 200/9 मतलब 22.2%, यानी जो नया वाला मिश्रण बना उसमें नमक की मात्रा तो कुछ किया नहीं, नमक अलग फाइनली निकाल दिए, पानी जो घटाने के बाद बचा वो, उसके बाद नमक ऊपर, टोटल मिश्रण नीचे, परसेंट निकालना है 100 से, 22.2%, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 आ जाओ, इंपॉर्टेंट, कपड़े का मूल्य 250 रुपये प्रति मीटर से 300 रुपया हो गया, 250 रुपया था हो गया 300, आप बोल रहा है क्या, इसके कारण जो हुआ कितना प्रतिशत कपड़ा कम खरीदे ताकि खर्च 10% ही बढ़े। आप समझिए क्या बोला है, कपड़े का मूल 250 रुपये प्रति
मीटर से 300 रुपए प्रति मीटर हो जाने के कारण एक खुदरा विक्रेता कितना प्रतिशत कपड़ा कम खरीदे कि उसका खर्च 10% बढ़े। तो बोले सर 10% बढ़े मतलब समझते हैं, इसका 10 पहले 250 रुपया खर्च हो रहा था तो इसका 10% कितना होगा, 250 का 10% 25, यानी 25 जब वृद्धि हो जाएगा तो उसका कीमत 275 हो जाएगा, मतलब 250 से बढ़ गया है वो 300। एक मीटर का पहले 250 लगता था, 300 लग रहा, लेकिन वो क्या बोला है कि कपड़ा कितना कम खरीदे कि मात्र 10% वृद्धि हो, तो 250 का 10% 25 मतलब 275 रुपया उसको लगे, तो वृद्धि तो होके 300 हो गया, तो अब कमेगा तो 300 से और कम करके 275 पर लाना है तो 25 कमेगा और गुना 100 काटते हैं, 2 सुना 2 सुना 25/3 यानी 8.1/3% की कमी करेगा तब जाके खर्च में 10% की वृद्धि होगा, यानी 8.3% है ऑप्शन नंबर पहला। बहुत मजेदार क्वालिटी का क्वेश्चन जो मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होकर छोड़ते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस जारी रखिएगा, कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई जरूरी है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में ही क्वेश्चन पूछता, आप देख रहे होंगे ग्रुप डी का भी लेवल कैसा हो गया, आप पिछला बार एग्जाम दोगे तो जरूर वाकिफ होंगे, नहीं तो आप 6000 क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दे चुका हूं प्रीवियस का, उसको आप देखिए पता चलेगा हर लेवल का क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन दिया है मैंने। तो यहां पे हम लोगों का हुआ 52 और 52 का आंसर लाए हम लोग पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, वैसे तो ये सिक्के संबंधित प्रश्न है और सिक्के संबंधित प्रश्न मैंने आपको स्पेशल एक टाइप बताया है रेशियो में, स्पेशल लगभग 17-18 क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज के रूप में पहले रेशियो निकालना पड़ेगा। एक थैला में टोटल 506 रुपया है, ठीक है, जिसमें 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं, लेकिन इन सिक्कों का अनुपात क्या अभी पता नहीं है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों से 60% अधिक है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये की संख्या से 20% अधिक है। तो क्या बोल रहा है पहले समझ आइए, 5 रुपया जो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 60% अधिक और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये की संख्या से 20 अधिक। तो शुरू 5 रुपया से करते हैं, 5 रुपया को 100 मानते हैं और 2 रुपया वाला जो संख्या 5 रुपया से 60 अधिक तो ये 160 हो जाएगा और 1 रुपया है जो 2 रुपये के सिक्कों से 20% अधिक, इससे 60% अधिक तो 100 का 60% 60 होता है, इसलिए 160, इससे 20% ही अधिक है। तो आप जानते होंगे कि 160 का 20% 32 होता है, तो इसमें 32 बढ़ जाएगा और 32 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 192। ये हो गया हम लोग का रेशियो, काटना है तो हम लोग काट भी सकते हैं इसको, 25 चौका 100 या 4 चौक 16 40 बार में, यहाँ 4 से काटेंगे 4 चौक 16 8 चौक 32 48 बार में। अब फटाफट क्या करिए, यहाँ पूछ रहा है ज्ञात कीजिए कि उसमें 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 2 रुपये कितने सिक्के हैं, तो सिक्का वाला बताए थे कि यदि मूल्य दिया रहे तो पहले मूल्य में बदलना है उसके बाद ही हम लोग तोला गुना कर सकते हैं। तो बोलिएगा कि सर 5 रुपया वाला 25 गो तो 125 रुपया, 40 को 2 रुपये बा तो 80 रुपया, 48 को 1 रुपये बा तो 48 रुपया, मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा। तो बोले सर 5 और 0 5 और 8 13 के 3 बचाइए, 12 1 बाकी 13 और 13 और 8 13 8 21 21 और 4 कितना होगा, तो 21 और 4 हो जाएगा 25। सोचिए यहाँ 506 रुपया, यहाँ पे जब हम सिक्का मतलब मूल्य में बदले तो कितना हो गया 506 रुपया, यहाँ 253 रुपया। तो टोटल की तुलना टोटल से, रुपया की तुलना रुपया से, पूछ क्या रहा है तो हम लोगों का 53 नंबर क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि 2 रुपये के कितने सिक्के, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो 40 है, क्योंकि संख्या का रेशियो यही है कितना से 40 से, तो 40 से गुना कर दो, काट दो 253 से दो बार में कट जाएगा, 40 × 80 यानी 2 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है वो है 80, ऑप्शन नंबर 3। तो आपने देखा कि सिक्का वाला क्वेश्चन यदि आपको प्रॉब्लम होता है तो आप रेशियो में जरूर देखिए, मैं बता चुका हूं 80 हुआ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, लगभग हम लोग 60 के करीब पहुंचने वाले हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रम से, तो बोले सर ऐसा तो पूरा टाइप ही बताए हैं, पहली दूसरी संख्या तीसरी संख्या से लगा तीसरी में तो 100 मान लेंगे, क्रम से मतलब शुरू से आ जाएंगे, 25 अधिक है और 20 कम है, मतलब पहला 25 अधिक है तो 125, दूसरा 20 कम है तो 80, पूरा का बारीकी से टाइप बाय टाइप पढ़ाया एग्जाम्पल दे दे के,
अब यहां हम लोग से पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली का कितना परसेंट है, तो दूसरी संख्या पहली का लगा पहली में 125 नीचे दूसरी ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से, 25 से चार बार में, 25 से पांच बार में, 5 से 16 85, 16 चौके 64, यानी दूसरी संख्या पहले रेशियो निकाल लिए क्वेश्चन के अनुसार, दूसरी पहली का क्या परसेंट है तो 64% है, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 आ जाओ, मजेदार। जब एक व्यक्ति की आय 6000 से बढ़ जाती है तब उसके द्वारा भुगतान किए गए टैक्स दर 18% से घटके 15% हो जाती है। यदि दोनों स्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, दोनों स्थिति में 25% पर आयकर नहीं टैक्स नहीं लगता, तो खैर कोई बात नहीं हटा दिए, दोनों पर मुक्त है, तो उसकी प्रारंभिक आय क्या थी जबकि वह दोनों स्थितियों में समान कर यानी समान टैक्स का भुगतान करता है। तो बोलिए कि सर एक व्यक्ति की आय 6000 है तब उसके द्वारा भुगतान किए गए टैक्स दर 18% से घटकर 25% हो गया, मतलब पहले था 18% अब 25%, दोनों स्थितियों में 25% आयकर मुक्त हो गया, मतलब टैक्स नहीं लग रहा 25% पर, मतलब मान लीजिए पहले उसको आय एक्स था बाद में वाई, तो पहला का 75% का 18% टैक्स लगता था, ठीक है। और दूसरा जब 6000 क्या बोल रहा है कि यदि 6000 रुपया से बढ़ जाती है उसकी आय, तो दूसरा हम मान लिए बाई, 6000 बढ़ गया मतलब दोनों आय में अंतर है 6000, हम बाई ही लिखेंगे, तो इसके भी 75% का ही टैक्स लगता है, लेकिन कई परसेंट 15%, और दोनों जो टैक्स है बराबर है, काट देते हैं परसेंट परसेंट परसेंट, दोनों परसेंट कट गया, 75 तो लिखने की जरूरत ही नहीं था कि दोनों तरफ बराबर ही था, यहाँ हो गया 6 18 5 15, दो या दो से अधिक राशि बराबर हो कोएफिशिएंट उलट जाता है, 5 इधर 6 इधर, कितना आसान से बता रहे हैं आपको, कहीं नहीं बताया जाएगा। देखिए पहले वाला आय बाद वाला आय का रेशियो निकल गया 5 6, यहाँ आय बढ़ा है 6000 और रेशियो के अनुसार 5 से 6 हो गया, 1 बढ़ा यानी वृद्धि की तुलना वृद्धि से पूछ क्या रहा है, तो 55 में पूछ रहा है कि उसकी आरंभिक आय क्या थी, मतलब शुरू वाला एक्स का मान निकालना है, तो 5 से यानी 5 6 30,000 यही होगा उसका आरंभिक आय 30,000, कुछ नहीं किए बस आराम से, 25% टैक्स लगता नहीं था, 75% पर लगेगा पहले 18% फिर बाद में 15%, काट छाट के आ गया रेशियो 5 5 6, कितना वृद्धि हुआ 6000, यहाँ वृद्धि कितना हुआ 1, वृद्धि की तुलना वृद्धि से, प्रारंभिक आय निकालना है 5 से 30,000, ऑप्शन मिला लो 55 का 30,000 ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। एक पार्टी में दो प्रकार के खिलौने क्रमशः 6 और 9 के अनुपात में है, हालांकि देखिए इस क्वेश्चन को घुमाया कितना है, इसमें रेशियोस कोई मतलब ही नहीं है, बनाए गए खिलौने में से 20% नष्ट हो जाता है, मतलब टोटल खिलौना का है तो बोला नहीं पहला प्रकार के दूसरा प्रकार के, 20% नष्ट, जितना बचता है उस खिलौने में 40% निर्यात किया जाता है, तो खिलौने की घरेलू खपत कुल का कितना परसेंट, तो बोले सर टोटल 100 मान लो, नष्ट कितना हो गया 20, तो बचा कितना 80, बचा 80, अब जो 80 बचा उसमें निर्यात हुआ बचे हुआ का 40, तो 80 का 40% 32, तो जो बचा जो घरेलू यूज होगा, तो बाकी घरेलू तो ये 80 में 32 हो ही गया, तो घरेलू यूज होगा 48, तो टोटल 100 था भले नष्ट हो गया, तो 100 में 48 घरेलू यूज हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि घरेलू खपत कुल उत्पादित खिलौने का 48% होगा, 100 में से 48 मतलब 48%, यानी इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ फंसाने के लिए देता है क्वेश्चन, तो 48% ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देख लो, बड़ा मजेदार है। जब एक बर्तन में 1 लीटर पानी डाला जाता है तो वह अपनी कुल क्षमता का 22% अभी भी खाली रहता है, उसकी कुल क्षमता क्या है, सोचिए कुल क्षमता का 22% खाली रहता है, हम कुल क्षमता कितना मानेंगे भाई 100, 100 में खाली कितना है 22%, तो भाड़ा कितना है, तो बोले सर 100 माइनस 22, क्योंकि 22 खाली है, टोटल अपने आप में 100%, जिसमें 22 खाली तो भाड़ा मान लिए 20 खाली रहता, तो आप 100 में से 20 80 भाड़ा कहते, और यहाँ पे ऐसा हुआ कब है, जब 1 लीटर पानी डाले तो ये जो x डाला है खाली भाग की भरा भाग, तो बोले सर भरा भाग, तो भरा भाग की तुलना भरा भाग से कुल क्षमता निकालना है 100 से, हम लोग का आंसर होगा 100 गुना x यानी 100x बटा 100 माइनस 22, 100x बटा 100 माइनस 22 ऑप्शन नंबर हुआ पहला, यानी 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। बिल्कुल करीब पहुंच गए हम लोग आज के क्लास का। एक शहर की जनसंख्या 20,000 है जिसमें 12,000 पुरुष है, मतलब टोटल 20,000 है, जिसमें मैन 12,000 है तो वोमैन 8,000 होगा। इसको कहने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। शहर की साक्षरता, पूरे शहर की साक्षरता है वो है 60%, एवरेज में भी ऐसा बताए थे। तथा प्रत्येक 1,000 पुरुष पर 800 पुरुष साक्षर है, तो 1,000 पर 800 मतलब समझ रहे हैं 80% हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं 800 ऊपर 1,000 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से, 3 सुना 3 सुना कैंसिल, 80% पुरुष साक्षर है, 80%। तो बोल रहा है महिलाओं की साक्षरता बताएं, यही तो पूछ रहा है, यही हम लोग से पूछ रहा है कि कितने परसेंट महिलाएं साक्षर है। तो बोले सर दिक्कत क्या है, फिर तो वही 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य, 4 से 4 दुनिया 8, 4 3 12, 4 5 6 20। एवरेज के नियम टोटल लेके चलेंगे 60 80, अधिक लेके जा रहा है 20 अधिक कई गो 3 गो 20 दिया 60, तो -60 और बटा में 2 30 बार में कट गया, 60 में से 30 घटेगा 30, यानी महिलाओं की साक्षरता कई परसेंट, तो 30% महिलाओं की साक्षरता कितना परसेंट हो गया, 30% हो गया। ओ सॉरी, यहाँ पे बोला है कितने परसेंट महिलाएं निरक्षर है, यदि महिलाओं की साक्षरता पूछता है तो आंसर हो गया 30%। तो बोलिया कि सर ये भी तो अपने आप में 100%, महिला भी अपने आप में 100%, इसमें साक्षर 30% तो निरक्षर कितना, देखिए कितना मजेदारी से पूछा है, तो निरक्षर 70%, यानी होगा ऑप्शन नंबर पहला 70%। कितना घुमा दिया है क्वेश्चन, दिया साक्षरता, तो कोई बात नहीं, महिलाओं की साक्षरता निकाल लिए और पूछ रहा है निरक्षरता, तो बस 30% साक्षर तो निरक्षर 70, ऑप्शन नंबर हुआ पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, बस हम लोग पहुंच ही गए हैं। क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा है। क्रिकेट खेलने वाले एक स्थानीय टीम 1999 में 60 मैच खेली और 60% मैचों में उसकी जीत हासिल हुई। वर्ष 2000 में यह टीम लगातार कई मैच खेली तथा सभी में उसकी जीत हुई, तब दोनों वर्षों को मिलाकर जीत का प्रतिशत 90 हो गया। वर्ष 2000 में वह टीम लगातार कितने मैच खेली, देखिए कितना आसान से बताते हैं, वही दूध डाल रहे पानी से, हम पानी डाल रहे दूध से हमसे। 1999 में टोटल 60 मैच खेली, 1999 में कितना मैच उन्होंने खेला है 60 मैच, 2000 में कितना खेला पता नहीं है, लेकिन 2000 में टोटल जीत हुआ है, तो जीत हुआ है तो हार की संख्या 1999 वाला हार और 2000 वाला हार, हार तो सेम ही रहेगा क्योंकि जो टीम है जो 2000 में हारा ही नहीं है, तो पहले वाला हार और बाद वाला हार सेम रहेगा। तो पहले कै परसेंट हारा था, तो बोले सर 60% मैच में जीत, तो यानी हार, यानी पहले जो हार हुआ था 1999 में 40% में, बाद में 90% जीत गया, तब जाके उसका दूसरा साल में हार उसको कै परसेंट रहा 10%, परसेंट परसेंट 0-0 कट गया 1:4। यहाँ 1999 में कै मैच खेला था 60, यहाँ 1999 वाला कितना आया 1, तो 60 की तुलना 1 से। उसके बाद 2000 में वह टीम लगातार कितने मैच खेली या जीती, 2000 में कितने मैच खेली या जीती, तो बोले सर जो वृद्धि होगा वही ना, तो 3 से गुना करेंगे 3 6 18, यानी 180 हम कह सकते हैं, 180 ऑप्शन नंबर पहला। 2000 में लगातार 180 मैच खेला और सबका सब क्या हो गया, मतलब क्या हुआ 1 4 हो गया, तो 1999 में 1 था और 2000 में 4 हो गया, यानी जो वृद्धि हुआ वही ना खेला 2000 में, तो 3 से गुना के 180 आया, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन और हम लोग मंजिल तक पहुंच ही गए हैं। अगला क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे, परसेंटेज खत्म और प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे। तो मैं फिर से कह देना चाहूंगा कि जो भी नए विद्यार्थी, या तो आप क्लास देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और बगल में यदि ऑप्शन आता है तो ऑल वाले को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे, और दबा के शेयर करिए। कोई भी विद्यार्थी वंचित नहीं रहना चाहिए, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को हम लोग पूरा सर्वोपरि बनाने वाले हैं कि हर चीज का बेहतर तैयारी घर बैठे हो और सब कुछ मैं धीरे धीरे अवेलेबल करवा भी रहा हूं। और लाइक तो करना बिल्कुल ना भूलिए और एक क्यूट सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट रखता है। तो आइए 60, देखने में तो कहानी जैसा क्वेश्चन है लेकिन मजेदार है। इंडियन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नामक एक कंपनी एक सेल्समैन नियुक्त करती है, उसे मासिक बिक्री का 7% कमीशन देने का वादा करती है। बाद में यानी पहले जो है ना मासिक बिक्री का 7% उसको कमीशन दिया जा रहा है, और बाद में लगता है प्लान को चेंज किया है, बाद में
कंपनी शर्त को बदलकर यह तय कर दी कि उसे 3,000 रुपया प्रति माह दिए जाएंगे वेतन के रूप में, और 10,000 से ऊपर जितना भी बिक्री करेगा उसको 4% कमीशन दिया जाएगा। दूसरी शर्त के अनुसार उसे 800 रुपया अधिक प्राप्त हुआ तो वह प्रतिमा कितने रुपए की बिक्री कर रहा है, तो हम मान लिए कि प्रतिमा बिक्री करता है 2 रुपया के, तो पहला के अनुसार तो 2 रुपया के कई परसेंट 7% उसको कमीशन मिलना चाहिए, और दूसरा के अनुसार पहले उसको 3,000 रुपया मिलना चाहिए। प्लस यदि 2 रुपया का बिक्री किया है तो पी में से 10,000 घटा दीजिए, क्योंकि जब उसको 3,000 रुपया का महीना वेतन मिलेगा तो 10,000 तक उसको कोई कमीशन नहीं, तो टोटल बिक्री 2 रुपया करेगा तो जो 10,000 हटा के जो बचेगा उसका कई परसेंट कमीशन होगा, 4%। हमने क्वेश्चन ही कहा है ऐसा करने से 800 अधिक प्राप्त हुआ, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तब अंतर हो जाएगा कितना का, 800 का। बोले सर दिक्कत क्या है, तोड़ दीजिए और क्या, इसमें से इसको घटा दीजिए तो उसको पहले लिख देते हैं 3,000 प्लस ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हो जाएगा पी का कई परसेंट 7% माइनस ये ब्रैकेट तोड़ेंगे परसेंट से 2 सुना खत्म बचेगा कितना 400, अब बराबर उधर बचेगा सॉरी पी का 4% है ना 7% तो इसको उधर लिखेंगे बराबर क्या माइनस में पी का कई परसेंट 7% तब जाके ये जो बराबर होगा 800 होगा। बोले क्यों सर, क्योंकि बाद वाला अधिक है 800, यानी बाद वाला पहले वाला घटाएंगे तो 800 आए, पी का मान निकालिए या तो ऑप्शन से भी रख के चेक कर सकते थे थोड़ा बड़ा होता, तो यहाँ देख लीजिए यहाँ भी हम लोग का एक्चुअल आ ही जाएगा पी का 4% पी का 7% तो माइनस में पी का 3% बचा, ठीक है उधर जाके हो जाएगा पी का 3% पॉजिटिव। यहाँ देखिए 3,000 में 400 घटे है तो इधर बच जाएगा 2,600 और 800 आके और घट जाएगा, क्लियर है। अब पी का 3% बच रहा है, 2,600 में से 800 घटा तो बचेगा 1,800, अभी परसेंट काटेंगे एगो 100 उधर चला जाएगा, क्लियर है। 3 से 3 6 18 यानी फाइनली हमारे पास बचा पी, और इधर बचा 6 पर 1 0 2 0 3 4 यानी 6 पर बच गया 4 0 यानी पी का मान आया 60,000, यानी हम कह सकते हैं कि प्रति माह कितने रुपए की बिक्री करता 60,000 ऑप्शन नंबर तीसरा। तो आपने देखा कि हमने कुछ किया नहीं है, हम 2 रुपया मूल मान लिए पहले के अनुसार 7%, बाद में 3,000 प्लस 10,000 घटाएला के बाद 4%, इसमें से इसको घटाए बस कैलकुलेशन किए परसेंट का ध्यान रखते हुए कैलकुलेशन किए, हम लोग का आंसर आ गया 60,000, 60,000 क्लियर हुआ। तो हम लोगों ने देखा बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल का कुल मिला के 60 क्वेश्चन, ये आपको कैसा लगा अपना विचार जरूर प्रकट करिएगा, अपना कमेंट जरूर करिएगा, और लाइक यदि अभी तक नहीं है तो प्लीज लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है, मैं बार बार यही बोलता हूँ, और वीडियो को अंत तक देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।